हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है सब्ट्रैक्टर। अभी आज अपने को पढ़ना है सब्ट्रैक्टर। सब्ट्रैक्टर डिटेल में पढ़ना है ना अपने को। ओके, तो डायरेक्टली क्वेश्चन देते हैं। जैसे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन लिया, वैसे यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाफ एंड फोर सब्ट्रैक्टर इन डिटेल। एक क्वेश्चन में आपको वापस से बता दो, एक ही क्वेश्चन है आपको, दोनों भी दोनों नहीं पूछते हैं। बट मैंने यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए दोनों भी क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन किया है। तो इसके पहले आप उन पहले हाफ एडर हाफ सब्ट्रैक्टर देते हैं और बाद में फुल सब्ट्रैक्टर देते हैं। अभी देखिए, इसके पहले के वीडियो में हमने फुल एडर और हाफ एडर बनाया था। तो अगर एडर आपको समझ में आ गया तो आपको ये वीडियो इजिली समझ में आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है। ओके, तो सब्ट्रैक्टर क्या है? तो भाई एडर क्या है? तो एडिशन करता है। तो सब्ट्रैक्टर क्या है? जो सब्ट्रैक्शन करता है, राइट? वेरी गुड। बट यहाँ पे चेंजेस क्या पे आता है? तो यहाँ पे चेंजेस आता है आउटपुट में। आउटपुट में क्या चेंजेस आता है? तो एडर में अपने को आउटपुट कितने थे? तो कौन कौन से? सम एंड कैरी। तो सब्ट्रैक्टर में मुझे आउटपुट कितने मिलेंगे? तो कौन कौन से? डिफरेंस एंड बोरो। डिफरेंस एंड बोरो यानी सम के जगह पे होगा डिफरेंस और कैरी के जगह पे होगा बोरो, जिसको वो मराठी में बोलते हैं हत्ता, राइट? ओके, तो सब्ट्रैक्टर क्या है पहले ये समझ लेते हैं। सब्ट्रैक्टर इज अगेन डिजिटल कॉम्बिनेशन सर्किट विच परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इनपुट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्ट्रैक्टर। कौन कौन से? हाफ एंड फुल सब्ट्रैक्टर। अगर दो इनपुट होंगे तो हाफ सब्ट्रैक्टर, दो से ज्यादा होंगे तो फुल सब्ट्रैक्टर, राइट? तो पहले अपन देखते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर। अभी हाफ सब्ट्रैक्टर है तो मिनिमम दो इनपुट होंगे, दो आउटपुट होंगे, डिफरेंस एंड बोरो। तो यहाँ पे उसके स्ट्रक्चरल ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है। तो स्ट्रक्चरल ब्लॉक डायग्राम, दो इनपुट अप्लाई किए, दो आउटपुट मिल गया मुझे डिफरेंस एंड बोरो। अब उसके हिसाब से मुझे ड्रॉ करना है ट्रूथ टेबल, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा इतना, क्योंकि अगर ये आपको हाफ सब्ट्रैक्टर का ट्रूथ टेबल समझ में आ गया तो आप फुल को इजिली समझ गए, फुल सब्ट्रैक्टर को इजिली समझ में आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे गलती कहाँ पे होती है वो पहले देख लीजिए। इनपुट दो इनपुट है, दो इनपुट है तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे 0001 1011, राइट? पहला है 00। नो, इन जो 0-0 मुझे पता है कि दोनों भी डिफरेंस भी 0 आएगा, बोरो भी 0 आएगा। ये सेकंड कंडीशन को छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। थर्ड पे आते 1-0 1-0 कितना आता है? डिफरेंस 1 आएगा, बोरो लिया गया नहीं लिया? 1-1 डिफरेंस 0, बोरो 0। यहाँ तक ये तीनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आप इजी लिखते हो। गलती कहाँ पे होती हो? ये सेकंड टर्म में 0-1। नो, व्हेन यू हैव 0-1 इन दैट केस योर डिफरेंस विल बी 1 एंड बोरो इज ऑल्सो 1। डिफरेंस इज 1 एंड बोरो इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ख्याल रखना है। अगेन आई रिपीट द सेम, ए एंड बी, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1। सो डिफरेंस 1 एंड बोरो ऑल्सो 1। ये दोनों चीजें आपको इजिली ख्याल में रखनी है। ओके, तो ट्रूथ टेबल समझ में आ गया। तो 0-1 डिफरेंस 1 बोरो 1, क्लियर? ओके, चलो आगे चलते। तो ये ट्रूथ टेबल के हिसाब से डिफरेंस में मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि दो टर्म्स है, ये दो टर्म। तो इसके मतलब डिफरेंस की इक्वेशन में दो टर्म और बोरो इक्वेशन में एक टर्म मिलेंगी, देखते हैं। यस, डिफरेंस में दो टर्म मिलेगी मुझे, ए बार बी प्लस ए बी बार, दैट इज ए एक्स आर बी, और बोरो में एक टर्म ए बार बी। फिर ये जो इक्वेशन मुझे मिला है उस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे क्या किया है, बाय यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट उसको मैंने डिजाइन कर लिया, और वही इक्वेशन को मैंने बाय यूजिंग एक्स आर गेट भी मैं डिजाइन कर सकता जो आपके सामने यहाँ पे है। इन दैट वे वी कैन डिजाइन और वी कैन एक्सप्लेन हाफ सब्ट्रैक्टर इन डिटेल। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो इतना पूरा लिखने छोड़ देना है, बट उसको थोड़ा सा प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करना है, जो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाते समय उतना एक्सप्लेन नहीं किया है। बट आप जो लिख रहे हैं, जो ड्रॉ कर रहे हैं, जो ट्रुथ टेबल एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस ट्रुथ टेबल को थोड़ा वर्ड के फॉर्म में आपको भी एक्सप्लेन करना है पॉइंट टू पॉइंट, तब आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसमें अगर कोई डिफिकल्टी होंगी तो यू कैन कमेंट मी। ओके, चलो, तो आपको हाफ सब्ट्रैक्टर समझ में आ गया, ये समझ के मैं आगे चलता हूँ। तो हाफ के बाद नेक्स्ट क्या होगा बताइए? फुल, करेक्ट? तो फुल सब्ट्रैक्टर, ना डेफिनेटली फुल सब्ट्रैक्टर में क्या होगा? तो सर दो से ज्यादा इनपुट होंगे यानी तीन इनपुट होंगे, दो आउटपुट कौन से होंगे? एक होगा डिफरेंस, दूसरा होगा बोरो, वेरी गुड। तो स्ट्रक्चरल ब्लॉक डायग्राम फुल एंड फुल सब्ट्रैक्टर का आपके सामने है, ए बी सी, तीन इनपुट, डिफरेंस बोरो, दो आउटपुट। ओके, चलो नेक्स्ट इज क्या रहेगा अभी? ट्रूथ टेबल, वेरी गुड। ट्रूथ टेबल में क्या है? तो तीन इनपुट है, तीन इनपुट कौन कौन से? ए बी सी, और दो आउटपुट कौन से? डिफरेंस एंड बोरो, वेरी गुड। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके समझ लेना है कि तीन इनपुट है, तीन इनपुट से तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आठ होंगे। तो आठ में से पहला देखते हैं, 0-0 0 0-0 0 डिफरेंस 0 बोरो 0, 0-0 0 0-1। देखिए 0-1 जैसे ये दिखता ना अपने को, तो याद करना हाफ सब्ट्रैक्टर का रो नंबर 2, रो नंबर 2 1 1, 0-1 0-1 अगेन 1 1, 0-1 अभी यहाँ पे 1 1 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसके बाद भी 1 है ना, तो 0-1 0 1,
10 00 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
1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 डिफरेंस 1 बोरो 1 तो आपको इंपॉर्टेंट है यहां पे मैं वापस रिपीट कर रहा कि हाफ सबट्रैक्टर में जो रो नंबर 2 था ना वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है भाई सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे आपको समझ में आना चाहिए वहां पे समझ जाएगा तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं ट्रू टेबल को आपको एक दो बार लर्न करना पड़ेगा समझ लेना पड़ेगा उसके लिए आप इजीली मैंने ट्रिक आपको बता दी ओके तो ट्रू टेबल आ गया ट्रू टेबल के आने के बाद क्या है नेक्स्ट कि ट्रू टेबल की जो आउटपुट है आउटपुट में जितने नंबर ऑफ वंस है वो सभी टर्म्स को कंबाइन करना कितने टर्म दिख रही है 4 और बोरो में भी 4 टर्म दिख रही तो देखते ही सच में ऐसा है बट इसको रिड्यूस भी करना पड़ेगा तो मुझे यूज करना पड़ेगा के मैम तो मैंने फर्स्ट के मैम फॉर डिफरेंस लिया 3 वेरिएबल का के मैम फॉर बोरो लिया 3 वेरिएबल का के मैम फॉर डिफरेंस में मुझे कुछ भी कम होने की गुंजाइश नहीं दिख रही क्योंकि एक एक के ग्रुप बन रहे तो डायरेक्टली जो इक्वेशन आया डिफरेंस का लिख लिया बोरो के इसमें मुझे 2-2 के 3 ग्रुप बन गए 2-2 के 3 ग्रुप एक ग्रुप 2 ग्रुप और 3 ग्रुप कर्सर पे ध्यान दीजिए 3 ग्रुप तो बोरो डिफरेंस के 4 टर्म और बोरो के 3 टर्म ये जो मुझे इक्वेशन मिला है ये इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा आखिरी में ये इक्वेशन को मुझे डिजाइन करना पड़ेगा बाय यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट तो मैंने क्या किया देखिए 3 इनपुट ड्रॉ किए ए ए के साथ ए बार बी बी के साथ बी बार सी सी के साथ सी बार और डिफरेंस का इक्वेशन उसके साथ और किया एंड गेट इसके साथ और किया ये डिफरेंस का ये बोरो का इन दैट वे वी कैन डिजाइन एंड वी कैन एक्सप्लेन द फुल सबट्रैक्टर इन डिटेल इस हिसाब से अगर आप पेपर में अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करके पॉइंट टू पॉइंट ट्रुथ टेबल को एक्सप्लेन करके और अच्छे से अच्छे गेट बेसिक गेट से लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करके आप अगर डिजाइन करोगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे ये मेरी गारंटी है चलो ओके एनी डाउट अगर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के भेजिए थैंक यू सो मच